Hey guys, this is me Alistair. Welcome back to my channel and I'm back with another vlog. So आज हम आए हैं एक इवेंट को इवेंट अटेंड करने. सो आप मेरे इंस्टाग्राम पर स्टोरीज देख रहे होंगे कि लाइक मुझे मिलने वाला है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कॉन्क्लेव एंड अवार्ड 2023 जो नीतीश चंद्रा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. सो इसमें जो है हमें मुझे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिलने वाला है और मेरे जैसे और भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी मिलने वाला है और ये पटना में हो रहा है. तो मैं टाइम पे पहुंच गई हूँ, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आई कार्ड ले लिया. अब हम अंदर चलते हैं और आज के इवेंट को एंजॉय करते हैं. सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी सर आपको फॉर मुझे इस लाइव समझने के लिए कि मैं इस अवार्ड की हकदार हूँ. सेकेंडली बहुत कम टाइम है, वैसे अगर टाइम मिले तो मैं बहुत लंबा बोलती हूँ, बहुत बकबक करती हूँ. बट अभी फिलहाल के लिए बस मैं ये बोलूंगी कि मैंने अपनी जर्नी 2 साल पहले स्टार्ट की थी यूट्यूब पे एंड उसके बाद से मैं कंटिन्यू अभी तीनों प्लेटफॉर्म पे हूँ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे. मेरा नाम है एलिस स्विफ्ट एंड मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब पे एलिस स्विफ्ट ब्लॉग्स एंड बाकी सब जगह पे एलिस स्विफ्ट से ही मेरा नाम है. सो बेसिकली मैं हूँ मुजफ्फरपुर से, मेरा लाइक होम टाउन है बट मेरा बर्थ प्लेस जो है गैंगटॉक सिक्किम है. इसीलिए लोग पूछ लेते हैं हर बार कि आपका नाम क्यों ऐसा है, आप क्रिश्चियन हो क्या, या ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. तो बिकॉज मेरा बर्थ प्लेस गैंगटॉक है इसीलिए मेरा नाम एलिस रखा गया है. ओके सो मुझे जाना जाता है, सर को भी मेरा एक कॉन्टेंट बहुत पसंद आया था. बिहार में होके मैं बहुत ज्यादा बोल्ड रहती हूँ, मैं कभी किसी से डरती नहीं हूँ और जो सच है मैं हमेशा सच के लिए आवाज उठाती हूँ. तो मेरे कंटेंट्स भी आप देखेंगे तो वही रहता है कि एक मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ बट मुझे लगता है जो सच है वो सच है और उसके लिए मेरे सामने अगर 100 क्या आप हजारों करोड़ों रख लीजिए मैं उनके सामने भी एकदम डट के और अपना जो मुझे लगता है कि जो सच है उसके लिए मैं हमेशा आवाज उठाती हूँ. एक कॉमन क्वेश्चन जो मैं सबसे करूंगा, मैं पहले बता दूं ठीक है, आप जहां से भी बिलोंग करते हैं मैं आपके स्टेट के बारे में या आपके जगह के बारे में और ना ये मुझे प्राउडली बताना, अगर आप किसी छोटे से गांव से भी कस्बे से भी आए हैं तो प्राउडली अपने कस्बे गांव का नाम जरूर लेना ठीक है, बड़ा मैसेज आता. और जितने भी लोग हैं मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जितने भी लोग हैं क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं तो आज से एक हफ्ते तक आपके हर प्लेटफॉर्म पे आप दिखने चाहिए ठीक है, ताकि जितने रील्स बनाने जितने शूट करने जितने जो भी करना आप करो यूर ओपन टू फ्री. Alright, मैं आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछूंगा, मुजफ्फरपुर से आप बिलोंग करती हैं, आप बिहार से, बिहार को आप 2023 में कहाँ देखती है? बहुत पीछे है, अभी भी बहुत पीछे है और अभी बहुत कुछ करना है बिहार को, बहुत सारी चीजों में पीछे है. मैं अपने चैनल पे तारीफ करती जरूर हूँ बट फिर भी मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है. पटना को लोग बोलते डेवलप हो गए, मेरे हिसाब से डेवलप नहीं हुआ है, सिर्फ रोड और सड़कें बनने से सब कुछ डेवलप नहीं हो जाते हैं. सबसे पहले आप अपनी मेंटालिटी को डेवलप कीजिए, बिहार तो वैसे ही डेवलप हो जाएगा. ऑलराइट, शॉर्ट में फटाफट आप सोशल मीडिया से, आप जो कह रही है सोशल मीडिया से हम क्या बदलाव ला सकते हैं? सोशल मीडिया और एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते मुझे ये पता है कि लोग हमें जिस तरह से फॉलो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, हम चाहें तो ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं. हम जो चाहें लोग हमें फॉलो करते हैं और हमारी चीजों को सुनते हैं तो
इन्फ्लुएंसर जो है वो बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और यहाँ पे दो चीजें भी हो रही हैं, हम पॉजिटिव चीजें भी करते हैं और नेगेटिव। सो प्लीज जितने लोग भी नेगेटिव चीजें अगर आप कर रहे हो अपने फॉलोअर्स को, तो प्लीज स्टॉप कर दीजिए और कुछ पॉजिटिव सिखाइए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एलिस, नाइस मीटिंग यू, थैंक यू सो मच। एंड जितने भी अवार्डीज यहाँ आएंगे, आप इधर आइए एलिस, सबको इस सेशन के बाद इस रैंप पे प्रॉपर वॉक करना है और वॉक करके सामने स्टेयर से उतर के अपनी सीट पे जाना है। ऑलराइट, वी हैव अ म्यूजिक प्लीज। ऑलराइट, एंजॉय द so much, कुछ कहना चाहोगे? बस जो बोलना था मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, फिर से बोलूंगी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इससे पहले भी मैं अवार्ड ले चुकी हूँ, बट अभी फिलहाल मुझे जैसे पता चला कि यूपी से भी काफी लोग आए। ब्लॉग ऑलमोस्ट खत्म होने पे है, और जैसे जिस चीज के लिए हम लोग आए थे अर्जुन जी को भी अर्जुन जी आए थे और मेरा वाला भी दिखा रहे थे, मुझको भी मिल गया है, तो हम दोनों को मिल गया है ये अवार्ड। ये अवार्ड मिलने का क्यों नहीं मिल रहा, ये सबको नहीं दिखा रहा ना? अरे क्या हो गया, क्यों नहीं दिखाइएगा? तो हम दोनों को मिल गया है गाइस, और मतलब बहुत लंबे टाइम से हम लोग यहाँ पर बहुत इंतजार कर, बहुत इंतजार, पर अब हम लोग थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत इंतजार कर। लास्ट में मिला है, इन्हें तो पहले मिल गया, मुझे लास्ट में रखा गया, मुझे लगा कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन फर्स्ट टाइम था बोल पाया। मुझे सबसे फर्स्ट में बुलाया, इनको बाद में बुलाया, सबसे फर्स्ट, हाँ सबसे पहले, सबसे फर्स्ट का सबसे लास्ट, पर फिर भी हमने काफ़ी अच्छा रहा। और अभी डांडिया होने वाला है, तो अगर मौका मिले तो हम लोग भी डांडिया ज़रूर इंजॉय करके, इसीलिए हम लोग आठ से ज़्यादा हो चुका है, फिर भी हम लोग बैठे हुए हैं। तो अभी हमने इवेंट अटेंड कर लिया, डांडिया में काफ़ी लेट हो रहा था, तो हम लोग निकल रहे हैं और हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, हमने फोटोशूट भी किया है, तो इंस्टाग्राम पे हमारे फोटोज़ भी आएंगे, है ना? कैसा लगा अर्जुन जी, आप बताइए, सच सच बताइए। मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था, ये नहीं कि मुझे अवार्ड्स में नहीं बुलाया जाता है, पर ये कभी गए मतलब, ही नहीं। इनका बहुत बड़ा योगदान है कि नहीं आप आइए वीडियो में, अवार्ड्स में जाइए, तो मैं आया हूँ। मैं बाई फेस भी फेमस नहीं होना चाहता था, लेकिन इनके वजह से ठीक है, चलो अब करना है, तो मतलब तो बहुत अच्छा लगा, रियली काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन आई होप आगे भी बहुत बेहतर होने वाला, आगे भी हम लोग ऐसे अवार्ड्स लेते रहेंगे, आप लोग का बस सपोर्ट मिलता रहना चाहिए। सो बस आप लोग का सपोर्ट हमें मिलता रहना चाहिए, हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म है उन सब पे हमें फॉलो कर दीजिए। गजब बिहार मन लगे तो अच्छा वीडियो लगे तब कीजिएगा, ये बात है बस। और भाई मुझे भी तो करते ही होंगे, अगर नहीं कोई नए लोग देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज फॉलो कर लीजिए, ताकि आप लोग, आप ही लोग हैं जिनकी वजह से हमें ये अवार्ड्स मिलता है, अगर आप नहीं होते तो हम लोग यहाँ भी नहीं होते। सो थैंक यू, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम और भी ज्यादा अच्छा कर पाए, और करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। अगर वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग ब्लॉग्स के साथ, तब तक के टेक केयर एंड बाय बाय।